हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्रिश 4, राइटर उत्कर्ष मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। क्रिश के बेटे की कहानी। क्या फिल्म में दिखेगी रोहित की सुपर हीरो ट्रेनिंग? क्या फिल्म में दिख सकते हैं कई सारे सुपर हीरोज? क्या होने वाली है फिल्म की थीम स्टोरी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ साल बॉलीवुड के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। एक के बाद एक हमें फ्लॉप्स फिल्मों का सामना करना पड़ा और जिस कंटेंट की हम उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी हमें यहां देखने को नहीं मिला। लेकिन फिलहाल अब बॉलीवुड एक लंबे समय के बाद अब एक बार फिर ऊपर उठता नजर आ रहा है। भूल भुलैया 2 के साथ बॉलीवुड ने एक छोटा सा कमबैक किया और अभी फिलहाल रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र ने ऑडियंस को एक बार फिर थिएटर्स में आने को मजबूर कर दिया। और इसी मंथ लाइन में 2 और ऐसी मूवीज हैं जिनसे फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पहली सनी पाजी की साइको थ्रिलर चुप और दूसरी मच अवेटेड विक्रम वेधा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बिग फिल्म्स की बात की जाए तो अभी तो कतार में कई ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बट एक मूवी है जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए भी हम काफी वक्त से वेट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म क्रिश 4 के बारे में। 2013 में आई इसकी लास्ट फिल्म को आज लगभग 9 साल हो चुके हैं और अब भी इससे जुड़ी कोई बड़ी खबर नहीं आई है। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि हम आपको फिल्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी लीड बताने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही वो इसे फाइनलाइज भी कर देंगे। लेकिन अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि इस पर राकेश रोशन फिल्म के सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसमें वो क्रिश के साथ और भी कुछ सुपर ह्यूमंस दिखा सकते हैं। और अगर बात करें फिल्म की स्टोरी की, वो वहीं से कंटिन्यू की जाएगी जहां से इसे छोड़ा गया था। बट हमें शुरुआत में कुछ सालों का क्विक गैप देखने को मिलेगा, जहां क्रिश के बेटे रोहित को बड़ा होते हुए दिखाया जाएगा। और क्योंकि उसे हमेशा से ही पता होगा कि उसके पास सुपर पावर्स हैं, उसके डैड एक सुपर हीरो हैं, तो वो भी उनकी तरह बनने की कोशिश करता नजर आएगा, जिसको लेकर क्रिश अपने बेटे को उसकी पावर्स इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देते हुए भी दिखेगा। बट कमाल की बात ये है कि फिल्म के फाइनल पार्ट में या उससे पहले ही हमें उसके बेटे के सिवा और भी कई सुपर पावर्स और म्यूटेंट एबिलिटी ह्यूमंस दिखाए जाएंगे, जो पॉसिबली क्रिश के साथ ही फिल्म के क्लाइमैक्स में नजर आएंगे। अब फिलहाल ये थेरेपी कितनी सच होती है ये देखने लायक होगा। बट अगर ऐसा होता है तो कंफर्म है कि ये फिल्म बॉलीवुड की किस्मत बदलने वाली साबित होगी। तब तक आप हमें कमेंट में बताइए कि आपके फिल्म के इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या व्यूज हैं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। धन्यवाद।